आज हम बात करते हैं मध्यकाल के भक्ति आंदोलन की। और चूंकि भक्ति आंदोलन भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी युग रहा है, चूंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ की समृद्धि विश्व प्रसिद्ध थी, ऐसे में कई लुटेरे भारत आए और कई धन संपदा लूट कर चले गए। लेकिन कुछ मुस्लिम शासक ऐसे आए जिन्होंने यहाँ के सम्राट को पराजित करने के बाद यही शासन स्थापित कर लिया। उसके बाद यहाँ बहुसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। इस दृष्टि से यह भक्ति काल महत्वपूर्ण है। यूं तो भक्ति दक्षिण में उत्पन्न हुई ऐसा विद्वान मानते हैं, लेकिन ये भक्ति काल में आकर के संपूर्ण समाज में व्याप्त हो गई और भक्ति आंदोलन को लेकर के दो मत चलते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास कहते हैं कि यह भक्ति आंदोलन पराजित हिंदुओं की मानसिकता थी, और जबकि हजर प्रसाद द्विवेदी ऐसा नहीं मानते कि भक्ति तो पहले से थी, लेकिन निश्चित रूप से उस कालखंड में आकर के ऊपरी ऊपरी हमको ऐसी निराशा और हताशा दिखती है, लेकिन भक्ति तो पहले से विद्यमान थी। लेकिन कुल मिलाकर हम देखते हैं कि उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि जो समाज जिस तरह से रह रहा था उनके ऊपर कई तरह की पाबंदियां थी, कई तरह के अत्याचार थे। ऐसे में उन लोगों को संरक्षण देने वाला कोई ऐसा शासक उनका हिंदू शासक नहीं था, क्योंकि उस समय तक एक एक करके सारे शासक पराजित हो चुके थे और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इस लिहाज से देखा जाए तो मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदुओं पर कई तरह के कर और उपकर लगा करके हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था और उनका शोषण किया जा रहा था। तब ये लोग ईश्वर के अलावा किसके पास जाते हैं? तो इस काल में लोग ईश्वर की आराधना करने लगे, अनुनय विनय करने लगे और एक आम समाज का यह आंदोलन बन पड़ा। और कई कवियों ने, उस समय के रचनाकारों ने, भक्तों ने इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। इस आंदोलन की कई जो भक्त कवि हुए, जो हिंदू भी हैं और कुछ मुस्लिम भी हुए हैं, तो भक्ति आंदोलन जब चला है इसमें ये दो प्रमुख भागों में विभक्त होता है कि भक्ति आंदोलन एक सगुण मार्गी हुआ है, एक निर्गुण मार्गी हुआ है। सगुण मार्गी में जो कवि हुए हैं तुलसीदास, आचार्य तुलसीदास, वे राम को आराध्य मान करके उनकी कविताएं लिखते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि इस संसार की जो ऐसी पीड़ा आ गई है उस पीड़ा को वो हरण करे, अवतार लेकर के इस जन्म को, इस समाज को, इस समय ऐसी जो अत्याचार करने वाले जो ऐसे आत्ताई लोग आए हैं उनसे उनको बचाए। दूसरे जो रसखान और सूरदास हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, उसमें सूरदास प्रमुख रूप से उभर कर आया, जिन्होंने कृष्ण को आराध्य मान करके कृष्ण से अपनी मित्रता का अधिकार रखते हुए उनसे इस पीड़ा को हरण करने के लिए निवेदन किया है। क्योंकि इन्होंने अपना सखा मानकर कहा है तो यहाँ वो अनुनय विनय नहीं करते हैं, वो उनसे मित्र भाव से उनसे कहते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि हमारी जो पीड़ा है इस पीड़ा को हरण आप कर सकते हैं, आप अनेक लीलाओं में सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे इस पीड़ा का भी आप हरण करेंगे, ऐसा विश्वास वो जताते हैं। और निर्गुण परंपरा के ही एक मलिक मोहम्मद जायसी हुए हैं, जो यूं तो सूफी संत थे, उन्होंने भी इसमें सूफी परंपरा के नाम से भक्ति आंदोलन चलाया। और कई ऐसे सूफी, चूंकि ये तो थे तो विदेशी, लेकिन
हिंदुस्तान में आके रह गए और हिंदुस्तान के जन की पीड़ा को देखकर इन्होंने हिंदू घरों की कहानियों को लेकर के अपने शैली में उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और निर्गुण परंपरा के सबसे बड़े जो कवि और समाज सुधारक हुए हैं कबीर, कबीर चूंकि सारे विद्वान कहते हैं ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन कबीर ने जो समाज का जो आंदोलन खड़ा किया, जो बातें कही, जो भक्ति आंदोलन खड़ा किया, जो क्रांति पैदा करी, वो कबीर के अलावा कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि कबीर उस काल में किसी से भी नहीं डर करके बिना निर्भीक होकर के समाज को सच्ची बात कहने वाले कबीर ही थे। उन्होंने ईश्वर की उस अवतारवाद को नकारते हुए ईश्वर को कण कण में व्याप्त होना बताया और लोगों से कहा कि मतलब किसी तरह का धर्म और वर्ण से कोई भेद न होकर के मानव मानव एक समान है, इस तरह की बात उन्होंने बताई। उन्होंने लगातार हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों को फटकार लगाई और जो कुरीतियाँ और जो बुराइयाँ थी समाज में उनको दूर करने का प्रयत्न किया। और कई लोगों ने तो कहा है उनकी भाषा खिचड़ी थी, लेकिन वो जन जन के एक तरह से जन जन के भक्त थे, जन जन के साधक थे और जन सामान्य से जो बातें उनको मिलती थी उस बातों को वह दूर करने के लिए लोगों को आत्मविश्वास पैदा करके कहते थे कि जब हम ईश्वर हमारे साथ है, आत्मा और परमात्मा एक है, तो फिर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से उन्होंने लोगों के मनोबल को ऊंचा उठाया और कहा कि ईश्वर का गुणगान करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह से लोगों का मनोबल बढ़ाने में इस काल के प्रमुख कवियों और भक्तों का बड़ा महत्व रहा है। तो सबसे पहले हम निर्गुण परंपरा की बात करते हैं, उसमें कबीरदास निर्गुण परंपरा के प्रमुख संत हैं। कई लोगों ने, कबीर स्वयं भी कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन मैं साक्षी हूं, हर चीज की साक्ष देता हूं, और जो अनुभूति हुई उनको उस अनुभूति को अभिव्यक्त करते हैं। और स्वयं कहते हैं एक जगह कि मसीह कलम छुयो नहीं, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसका मतलब वो स्वयं स्वीकार करते हैं, मैंने ज़्यादा कोई अध्यापन किया नहीं है, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने परखी है, देखी है, अनुभव किया है, उसी को उन्होंने अपने दोहों और साखियों के माध्यम से समाज के सामने रखा है। निर्गुण परंपरा में दूसरे जो मुस्लिम कवि जो हुए हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, ये एक तरह से फकीर थे जो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान की पीड़ा को समझा, देखा, तो उन्होंने सोचा कि हिंदू घरों की कहानियां लेकर के उन्होंने जो भी कहानियां लिखी वो हिंदू घरों की कहानियां लेकर के हिंदुओं की तकलीफ को लेकर के उन्होंने अपने साहित्य में लिखा और ईश्वर से अनुनय विनय करा और ईश्वर से इस पीड़ा का हरण के लिए उनके इस अवतार को, चूँकि मूल कथा जैसी चित्तौड़ के राजा रत्नसेन की लेते हैं, रत्नसेन एक तरह से आत्मा का प्रतीक है और इनकी जो प्रेमिका है पद्मावती उसको ईश्वर का प्रतीक मान करके उस ईश्वर की खोज में, प्रेमिका की खोज के माध्यम से वह ईश्वर की खोज में जाते हैं और वह अपने इस संताप को, इस पीड़ा को हरण कर लेते हैं, ईश्वर से मिलन हो जाता है और वह अपने सारी पीड़ा को भुला देते। ऐसे कई पद आए हैं इसमें जो हम आगे विस्तार से देखेंगे। आज परिचयात्मक दृष्टि से देखते हैं तो निश्चित रूप से इस परंपरा में कई सूफी कवि और भी हैं जिन्होंने हिंदू घरों की कहानियां लेकर के अपने शैली में, मसनवी शैली जो साथ में लेकर आए थे, ये उस शैली में कई तरह के ऐसे रचनाएं लिखी है जो इस भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया है। सगुण परंपरा में, चूंकि भारतीय परंपरा में ऐसी मान्यता है कि जब जब भी धरती पर पाप बढ़ा है, अन्याय बढ़ा है, ऐसे में
वे अवतार लेते हैं, अवतारवाद की पुष्टि करते हैं आचार्य तुलसी और सूरदास, इनकी परंपरा में इस अवतारवाद की पुष्टि होती है। बाकी आगे देखेंगे। धन्यवाद।